प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके घर यानी कि सुषमा स्वराज के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 67 साल की उम्र में एम्स में निधन हुआ। मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने के बाद बेहद नाजुक हालात में उनको ले जाया गया था एम्स, जहां पर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। आपको बता दें कि अब सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने बहुत बड़ी बात की है। जी हाँ, उन्होंने कहा है, Could not believe that she would leave us soon. विश्वास नहीं होता कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली गई। बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है ये कंट्री के लिए। उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है, भले ही हामिद अंसारी हो, सरबजीत हो, गीता हो या जादर, उन्होंने सबकी मदद की है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। SBI 9 न्यूज़ से अजय की रिपोर्ट।